भाई मेरा नाम बाखर अली है। 7 बजे के जो दौरान जो है हम लोग जो कैमरे जो है लगाने सुबह से लग रहे थे कैमरे, तो क्योंकि ऑलरेडी जो अपनी जो है अकबर टावर बोल के अपार्टमेंट उसमें जो है चोरी हो गई। कहाँ पे है ये? माता गड़की में है जी। तो जो है अपन जो है सब जितने कम्युनिटी के जो जो फ्लैट्स वाले थे सब गेट टुगेदर होके जो है ऐसे कैमरे जो लगा रहे थे। तो क्या बोले तो लैंड ओनर आया आगे जो है मैं बाहर निकला तो मैं पहले तो जो है पहले बंडा मारा हमें, तो मैं क्या करा फिर अली भाई को बोला मैं अली भाई ऐसा था बंडा, तो अली भाई ये बोले भाई लड़ो झगड़ो ना करो सीधा अपन जाएंगे कंप्लेन करिए। तो मैं गया जाके कंप्लेन कर देगा तो है फिर जो है मेरे जो है एक फ्लैट वाले ओनर जो है फ़ोन करे, फ़ोन करके ये बोले कि भाई लोग जो है 8-10 जने जो आके जो अली भाई के जो ऊपर जो है अटैक कर दिए रॉडन से जो है। फिर उसी दौरान जो है ख्वाजा भाई थे कॉन्स्टेबल उनको लेके गए था जो है अली भाई को जो है PS को जो है लेके आ लिए थे। आप लड़ाई शुरू हो गई जो लड़ाई शुरू हो गई खत्म हो गई थी भाई जी जी जी। मैं PS को कंप्लेन देने आया था। अच्छा। कंप्लेन देने आया था क्या जो है अली भाई को जो है लोग जो है 8-10 जने मिलकर जो है रोडन से जो है मार दिए थे जी जी जी। भाई कैमरे मत लगाना उनसे पूछ के अपन कार पार्क करना अपन पार्किंग में भाई, क्योंकि अपने जो है फ्लैट अपनी जो कार में जो है स्क्रैचेस भी मार दिए, AC चोरी हो गई, पेट्रोल चोरी हो गया था, तो अपनी सेफ्टी के लिए जो है उनसे पैसे भी नहीं लिए अपने अपने पैसों भी वही रहते, वही फ्लैट में। नहीं नहीं वो लोग रहते नहीं, वो लोग वहाँ नहीं रहते, वो लोग जो है कहीं बड़े बाजार में रहते हैं, ये सब अपने उसे कर ले रहे थे। उनको जो है भाई उन्हें पकड़ जाएंगे ना चोर है उन्हें जो है फिर स्क्रैचेस नहीं मारे गए, जो 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 चोरी हुए ट्यूबलाइट चोरी हो गए और घर के और भी जो सामान जो चोरी हो गए कैमरे लगे तो उन्हें जो है पकड़े जाएंगे, इसलिए जो कैमरे जो है लगाने नहीं दिया हम आपको। रहने वाले लैंड ओनर है लेकिन उनका जो फ्लैट है उसको जो लॉक रहता हमेशा उन्हें रहते नहीं, सिर्फ जो जब भी आते उनका जो बड़ा भाई है पुलिस वाला असद नाम है उन्हें जो PK करके आता आके जो है हंगामे करता हूँ उन्हें, और जो है उसके अभी एक भाई आसिफ और असलम जो है उसके जो है भतीजों के साथ ले गया, एक का नाम जो है साजिद है, एक का नाम जो है मुजाहिद है, इन लोगों का जो है रोडों से आगे जो है अली भाई को जो मार दिए। इन्हों भी जो है कारखाने को जा रहे थे तैयारी थी उनकी, तो अली भाई में FBR बोलते अली भाई उठे था का जो है अली भाई को जो है मार दिया, उन्होंने आए थे सबको मानने, लेकिन जो है मैं जो है कंप्लेन लिखाने आया था उसी दौरान जो अली भाई को जो है अटैक कर। हमारे जो है टोटल जो है मेरा तो जो एक फ्लैट है, बाकी के अली भाई के 2 फ्लैट है और भी जो अपने जो पछाना वाले उन सब जो ने जो है टोटल जो अपने 8 फ्लैट से समझो जो अपने पछाने झगड़ा करे थे भाई आज से जो है 1 साल से हो लेते आ रहा, बिल्डर्स को भी ऐसी सजा सताए और जो है बिल्डर के जो है 20 लाख रुपये लोग एडवांस लिए, बिल्डर जैसा काम करना चाहा उसको जो भगा दिए, उसको इसलिए भगा दिए कि जो है फिर उसको 20 लाख रुपये जो है देना पड़ता, तो उसको इतना तंग करे वो बेचारा बगैर गेट लगाए बगैर जो लिफ्ट लगाए जो है भागा हुआ है बेचारा जो है दूसरी जगह काम कर ले। जब भी बोले तो भाई गेट लगाओ लिफ्ट लगाओ तो ये बता क्या करूँ बाखर भाई जो है लोग जो है पैसे लेके जो है सता रही आने नहीं दे रही, और जो है उसका भाई जो पुलिस वाला है कमिश्नर का आदमी बोल के जो सब कुछ सता था, पी के आगे जो है मजलिस चलते रहती उसके अंदर जो गुजा था और जो छेड़म छाड़ी करता उन्हें। बिल्डिंग में जितने फ्लैट्स हैं जी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग सबकी है? सब अंडरस्टैंडिंग बोल के सब मिल के जो हम लोग जो कैमरे लगा रहे थे उन लोग जो है खिलाफ है और जो है थोड़ा जो है कमनी के जो शिया सुन्नी भी जो थोड़ा जो लोग करना चाहते हैं लेकिन अलहमदुल्ला हुआ नहीं समझो, वहाँ के और भी जो महल्ले के जो है सुन्नतुल जमात के लोग वो लोग जो अपने जो कॉपरेट करते हमारे से बोल के ना जितने महल्ले वाले आज से नहीं जब से आप 8 से 10 साल तक जो है वो लोग जो सता लेते पूरे महल्ले को सता। ओनर का नाम जो है असद है, एक का नाम असलम है, एक का नाम आसिफ है। इनके पर हमला करने वाले कौन कौन है? उसका नाम जो है एक का नाम असलम है, साजिद है, मुजाहिद है और आसिफ है, बेटे हो समझो सब मिला जी। जुमला कितने लोग थे? ओ 3 से 4 जने थे भाई। मैं तो जो है कंप्लेन देने आया था इधर कांस्टेबल जो ख्वाजा भाई को लेके गया, लेके लोग जो है अली भाई के पास नाम आम लिखा दिया, अलहमदुल्ला जो है FIR भी जो हो गया, एक्नॉलेजमेंट भी जो है बड़ी देर के बाद जो है मिला समझो जी। क्या टाइम पे हुआ बोले? ये 7:30-8:15 के बीच में हुआ जी जी। ठीक है। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली है, मैं 2nd फ्लोर पे फ्लैट नंबर 202-204 दोनों ख़रीदा हुआ हूँ और बैंक लोन पे लिया हुआ हूँ, और मेरे को इनसे कोई ताल्लुक का जो आज मेरे बैटैक कर रहे हैं उनसे कोई रब्ता भी नहीं है, कभी ना उनसे सलाम दुआ कुछ नहीं। मेरी AC चोरी हुई, मेरे गाड़ी पे स्क्रैचेस मार दिए, और जब मैं मजलिस करा रहा हूँ इनके बड़े भाई पुलिस में गए थे आसिफ के और असलम के बड़े भाई जो लाइन के ओनर थे पहले, जब GPA कर दिए तो बात ख़त्म हो गई, आपकी जो फ्लैट है मेरे भी वही उतना शेयर मेरा भी है। अब उन्होंने ये बोल रहे हैं ये मैं ओनर हूँ यहाँ पर, यहाँ मजलिस नहीं करना, मैं तुम्हारा को देख लेता हूँ, मैं पुलिस में हूँ, मेरे हाथ के नीचे 12-15 लोग रहते, मैं CP ऑफिस में हूँ,
वो धमकियाँ दे रहे हैं, पी ले के आए। एक बार आए भाई, यहाँ सब जने थे तो मैं समझा के भेज दिया, भाई आप मौकूफ़ में नहीं है, चले जाइए, मैं आपसे बात नहीं करता हूँ। दूसरे 21 रमज़ान को जब मजलिस थी घर में, जब आके किससे पूछ के कर रहे हैं, मैं बोला भाई मैं ओनर हूँ, दो फ्लैट का ओनर हूँ, पार्किंग मेरी खरीदी हुई है। ये आके पूछ रहे हैं कौन है ओनर के भाई है? बड़ा भाई जो पुलिस में है, पहले बड़ा बेटा ओनर का, बड़ा असद का बड़ा बेटा आके वीडियो निकालता, मैं बस उसकी आपकी रिकॉर्डिंग बताता हूँ, आज आके वीडियो निकाल रहा था उन हमेशा। ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, हाँ उसका नाम असद है, क्या लेना देना है? उन्हों वन ऑफ दी ओनर है, उनका भी एक बिल्डर को जीपीए करे हुए है ना, आधा शेयर इनका है आधा बिल्डर का है। बिल्डर पूरे फ्लैट्स बेच दिए और बिल्डर और पूरे जितने फ्लैट्स वाले वो लोग, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है मजलिस से ना किसे, और ना मैं किसी को अब तक कोई भी आप पूरे बिल्डर के ओनरों से पूछ सकते हैं कि मैं सबकी अच्छाई में हूँ, लेकिन किसी के यहाँ तक के इनके भाई जो आसिफ है ये लोग के भी मैं मदद करा हुआ। आप अकेले थे, झगड़ा होते हुए? मैं हमारे भौने खड़े हुए थे, मैं बैठा हुआ था कुर्सी पर, और मैं इन पर जब अटैक करे बाहर पे बाहर गए थे पत्थर से मारे तो बाहर अंदर भाग के, बोला लड़ाई झगड़ा मत करो, सीधा जाके पीएस में कंप्लेंट कर दो बाहर पे, बोल के बाहर को भेजा। मैं और एक सोहेल बोल के था इनके घर में किराए से, उन्हों और इनो तीन जने मैं बैठा हुआ था, दो जने खड़े हुए थे, बोला पहले से प्लानिंग से बाहर से लट ले लेके आ गए थे, और ये असलम बोलने वाला आके कैसा लगा रहा है कैमरे में, बोला मैं ओनर हूँ, मेरी सेफ्टी को लगा बोल रहा हूँ, गला पकड़ के दो जने मारना शुरू कर, पीछे से लट लेके सर पे चार पांच मार दिया मेरा, सात टांके लगे और पूरा खून भर गया था, साफ करा मैं, पूरा खून भर गया था। उस्मानिया में ये क्या बोलते हैं पुलिस वाले भेजे, वो भी करवा के लेके आए, अब MLC करा के लेके आने के बाद अब मेरे को FIR कॉपी मिली। ये टाइम पे कौन सा PS है? मीर चौक पे जी। और आपके साथ के लोगों को भी, उनको एक जनों को सोहेल बोलने वालों को हाथ पे और फसलियों पे उन्होंने भी LMC कराया, और उनकी FIR दिए नहीं दिए मेरे को नहीं मालूम। बाखर भाई का भी नाम एंट्री करे FIR में, मेरी कॉपी में, मेरी कॉपी में सोहेल का नाम भी एंट्री करा। की वजह घर पे जो कैमरा लगा रहे हैं वही है, वो ये अटैक की वजह ये है, ये लोग पहले मजलिस मातम के खिलाफ है, दूसरी चीज़ मेरे पास मजलिस होती है, और ये लोग आए जो हरकतें कर रहे हैं, मीटर के बिला निकाल ले रहे हैं, लाइटा मार दे रहे हैं, स्क्रैचेस मार दे रहे हैं गाड़ियों पे, लोगों के पेट्रोला निकाल दे रहे हैं, ये कैमरे भाई सबकी सेफ्टी है। वो अपार्टमेंट में दोनों कम्युनिटी मिलके है भाई, उन्होंने एक ही भाई रहता आसिफ, बड़ा असद खुफल डाल के रखा हुआ है, असलम रहन पे दे दिया, वो भी शी आदमी को दिया रहन को 10 लाख रुपये में, और नीचे के एक मजलिस कराए बोल के आसिफ खाली कर दो बोला एक को जो नीचे किराएदार था। इन लोगों को क्या है बोलते, यहाँ पर कुछ भी एक क्रिएट करना, मुहर्रम आ रहा फिर फिसाद होना शिया सुन्नी का, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आजू बाजू के किसी से एतराज़ नहीं है, सिर्फ ये तीन भाइयों को एतराज़ है, और इल्ला ये न्यूसेंस क्रिएट करते जा रहे हैं। उन लोग को लेके आए पुलिस वाले थे? पुलिस वाले लेके आए, दो जनों को लाए, दो जने फरार में है बोल के बोल रहे हैं, नंबर पूछे तो ना नहीं बोल रहे हैं दो जने, दोनों भतीजों के नंबर नहीं बोल रहे। टोटल चार आदमी। ठीक है भाई, शुक्रिया, और मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि इन लोगों को 307 बुक करना ही करना है, अगर 307 नहीं बुक करेंगे तो फिर मैं आगे दूसरा प्रोसेस मैं अपने हिसाब से करूँगा। ऑलरेडी मेरे और मैं इनको ऑलरेडी मेरे को लीगल नोटिस GPA कैंसिल बोल के वो लोग भेजे थे, मैं ये लीगल नोटिस भी उनको एज़ पर एडवोकेट्स के हिसाब से मैं भेजा भी उनको, रिप्लाई भी करा, वो रिप्लाई करने के बाद से ये लोग मेरे पे जब से खार में अटैक करेंगे। ठीक, ये रिप्लाई भी भेजा लोग GPA कैंसलेशन को, तो GPA मैं बिल्डर से लिया, इन्होंने मेरे को क्यों भेजते नोटिस, नोटिफिकेशन दिया, मैं उनको रिप्लाई भेज दिया, नोटिस का जवाब नोटिस में दिया, और इन लोग जो मजलिस में न्यूसेंस कर रहे हैं आके, और जनानी मजलिस हो रही, लुंगी उठा के पीले के झांक रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुकद्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फखरे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827।